देखिए, जो हमने आरसी की तरफ से आपको सबको जानकारी है कि हमने एमओयू एक्सटेंड करने के लिए सरकार को लिखा था। एमओयू एक्सटेंड नहीं करने का कारण तो मुझे नहीं जानकारी इस बारे में, मगर हमें दो दिन पहले ही मुझे मालूम पड़ा कि ये आरसी एकेडमी और दूसरी जगह का खाली करने के लिए नोटिस आया था, जिसकी जानकारी और बहुत कम समय दिया गया खाली करने के लिए। और निश्चित तौर से जिस तरह से खेल गतिविधियां और सब चल रही हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा सर। लेकिन अभी 8 करोड़ करीब बकाया भी है, उसमें 5 करोड़ तो मैच फीस और करीब 3 करोड़ जो है वो बिजली बिल का भी बकाया है, उसका भी नोटिस दिया है। जो ये बकाया वाला जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला कोर्ट के अधीन चल रहा है। मैंने वकील से भी, हमारे आरसी के एडवोकेट से वापस सारी और भी जानकारी मेरे को जिस तरह से मुझे पता है कि ये मामला कोई आज या कल का नहीं है, ये मामला बरसों का है। ये मामला सब जुडियस है, कोर्ट के अधीन चल रहे हैं सर। आईपीएल का आयोजन होना है, उसके बाद आईपीएल के आयोजन पे कितना फर्क पड़ेगा, कहाँ होंगे फिर अब मैच और कौन उसका आयोजन करवाएगा, आप कहाँ करवाएंगे? नहीं देखिए, अब स्थिति तो इस बारे में जो हमें तो जो जहाँ तक आरसी का सवाल है, आरसी तो पहले भी शानदार मैचेस कराए, आप सब लोगों ने देखे हैं पिछले आईपीएल हो चाहे वनडे भी हमको मिला, हमने शानदार आयोजन कराए। और हम पुनः मैं चाहूँगा कि जिस तरह से अब आने वाले समय में आईपीएल का भी आगाज कल कर दिया है, तो निश्चित तौर पर हम लोग वापस अपनी मांग रखेंगे। 3 मैच अनाउंस हो गए हैं, क्या लगता है इस तरीके की जो कार्रवाई है, एकाएक जो कार्रवाई की गई है, उसका फर्क पड़ेगा खेल पर? अब देखिए, वो आईपीएल के वेन्यूज का डिसीजन और दूसरी लॉजिस्टिक्स का डिसीजन तो बीसीसीआई के पास रहता है, मगर हमने कभी इन सालों में कभी कोई कमी नहीं आने दी किसी भी मैच में। और मेरी हमेशा ये रही है कि हम लोग अच्छे से अच्छे सारे आयोजन यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट का यहाँ पे माहौल है राजस्थान में, एक शानदार माहौल है, और निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि सारी चीजों को अच्छे से सेटल हो जाए। खेल विभाग से भी शिकायत करेंगे कि भाई 2 दिन का ही समय दिया गया खाली करने के लिए, सरकार बदलने का ही फर्क है, सरकार की वजह से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है सर, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है और आप अध्यक्ष हैं, तो क्या ये रीजन है या कुछ और कारण है इस पूरी कार्रवाई का? ये तो आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं कि जिस तरह से, मतलब ये कोई आज का मामला नहीं है, चाहे 35 करोड़ का मामला जो बकाया की आप लोग बात कर रहे हैं, जो कोर्ट के अधीन है मामला। और जिस तरीके से अब हमें बहुत कम समय में बोला गया है कि आप ये प्रमाइसेस और ये सब खाली करें, फिर तो खुद दिख रहा है कि किस तरीके से हम लोगों को बहुत कम समय दिया जा रहा है। अब इसके आगे आप लोग क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे? देखिए, हम निश्चित तौर पर हमारे जो वकील हैं उनसे सलाह मशवरा करेंगे, और हमने तो एमओयू के लिए पहले भी लिखा हुआ है सरकार को, और एमओयू एक्सटेंशन नहीं हुआ उसकी वजह से ये आज इन्होंने हमें 2 दिन पहले नोटिस दिया था। हम इनको नोटिस तो लगातार दे रहे हैं, वर्षों से दे रहे हैं, अभी मैंने इनको नोटिस दिया, 9 तारीख को भी दिया है, 21 को भी दिया है, इससे पहले भी नोटिस दिए हैं बकाया ड्यूज को जमा कराने के लिए। इन्होंने हमें आवेदन किया था कि भाई हमारा एमओयू को 10 साल के लिए आगे बढ़ाएं, हम खेल की गतिविधियों को जारी रखना चाहते हैं। तो प्रथम बात तो ये थी कि इन्होंने एमओयू की किसी भी शर्त का कभी भी पालन नहीं किया। करोड़ों रुपए सरकार के बकाए हैं, दिए नहीं, बार बार लिखने के बाद भी नहीं दिए। जब बढ़ाने की बात आई तो उसके साथ भी इन्होंने कुछ भी कमिटमेंट नहीं किया कि भाई हम बकाया जमा कराएंगे और हमारा एमओयू आगे बढ़ाएं। इसलिए हमने इनको आगे बढ़ाया नहीं है, अभी तक बढ़ा नहीं है, एमओयू खत्म हो गया है, तो हमने इसका पोजेशन इनको परिसंपत्तियां वापस सुपुर्द करने के लिए कहा, उसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। किसी भी लेटर का कोई भी जवाब नहीं देते हैं, न एमओयू के शर्तों का पालन करते हैं, न सरकार के जो पैसे वो जमा कराते हैं। कौन-कौन सी संपत्तियों को अंडरटेकिंग किया? जो भी इनको दी गई थी सभी को ले लिया, जैसे कि पूरा कैंपस हमारा है, पूरे कैंपस को जो इनको दिया हुआ था पूरा ले लिया सभी। बोल दीजिए क्या क्या प्रीमिसेस में क्या क्या चीजें थी? स्टेडियम था, एकेडमी थी, ये जो है होटल है, ये है, सभी को। फिर आगामी दिनों में अब जैसे आईपीएल के मुकाबले होंगे, सभी गेम होंगे अच्छे से होंगे, सभी गेम होंगे अच्छे से होंगे, और वास्तविक खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा, खेलों को अच्छा बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो माननीय मंत्री महोदय हैं वो खुद खिलाड़ी हैं, और उनकी मंशा है कि जो भी खेल सुविधा है वास्तविक खिलाड़ी को मिले, और 1 रुपया भी अगर आता है तो वो खिलाड़ी पे और खेल की सुविधाओं पे लगे। आईपीएल में यानी कि खेल परिषद की सीधी भूमिका रहने वाली है, जो भी व्यवस्था होगी सरकार निर्णय लेगी जैसा होगा, लेकिन
गेम होंगे, अच्छे से होंगे। संजीव साहब एक आरोप ये भी लगाया है कि केवल दो दिन का समय दिया गया है। नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इनको लगातार सैकड़ों नोटिस दिए गए हैं, हर में राशि जमा कराने के लिए लिखा गया है। खुद मैंने आरसी के साथ मीटिंग ली है कि आप इसकी कंप्लाइंस करें, कहीं भी छोटी मोटी रिपेयर की मरम्मत की जरूरत है तो वो भी करें, लेकिन उन्होंने नहीं तो वो रिपेयर मरम्मत वो किया, नहीं कोई पैसा जमा कराया। इनको बिजली का कनेक्शन भी प्रत्यक्ष से लेना था तो इनकी देखे मतलब कि इन्होंने बिजली का कनेक्शन भी नहीं लिया, 3.5 करोड़ रुपए तो बिजली के कनेक्शन के बकाया है। तो ये सरकार बदल होने के बाद ही कार्रवाई की जा रही है? तो नहीं, सरकार के बदलने का कोई इश्यू नहीं, एमओयू खत्म हो गया तो हमने कार्रवाई कर दी, सरकार का कोई। ठीक है।